नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। टीकाकरण कैसे कराएं, समय पर कराएं और एक कविता के माध्यम से हम बच्चों के टीकाकरण के होने वाले लाभ के बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। बहुत माँ बहनें समय पर टीकाकरण नहीं करा पाती हैं, वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, समाज के लिए है, देश के लिए है। सही समय पर टीकाकरण कराकर मृत्यु दर कम करके बच्चों को पूरे भारत का नाम रोशन पूरे दुनिया में हो, हम ऐसा सोच रखते हैं। हम आज कविता के माध्यम से आपको बताएंगे कि माँ बहन को टीकाकरण के बारे में आप कैसे समझाएं। हम कविता शुरू कर रहे हैं, आप उसे कविता सुने, आपको कविता अच्छा लगनी चाहिए। अम्मा हमें बताओ, डॉक्टर सुई क्यों लगाते हैं? सुई लगाकर बीमारी से कैसे हमें बचाते हैं? मुन्ना मुन्नी बात में तुमको आओ हम बतलाएं, सुई लगाकर क्या फायदा, बैठकर तुम्हें समझाएं। हमारे शरीर के अंदर कई कीटाणु होते हैं, कुछ बनाते सेहत हमारी, कुछ बीमार कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे शरीर में कीटाणु होते हैं जो शरीर के लिए अच्छा है और कुछ कीटाणु शरीर के लिए खतरनाक भी होते हैं। सुई के द्वारा डॉक्टर हमको ऐसी दवा चटाते हैं, कुछ बीमारियों कीटाणु फिर कमज़ोर हो जाते हैं। अम्मा उन बीमारियों के नाम क्या क्या होते हैं? मुन्ना मुन्नी एक बीमारी काली खांसी होती है, एक तपेदिक होती है, एक गुलघोटू, एक को टिटनस कहते हैं। काली खांसी होती है जिसमें बच्चे खांसते खांसते बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको दम घुटने लगता है, उनको मृत्यु भी हो सकती है। टीबी की बीमारी भी बच्चों को होता है जिसे हम BCG के टीका से हम उन्हें बचाते हैं। और गुलघोटू भी होता है, वो गले के एक तरह का इन्फेक्शन होता है, एक को टिटनस कहते हैं। और बच्चे को हर समय टिटनस से बचाने के लिए भी टीकाकरण किया जाता है। एक बीमारी और फैली है जिसे हम पोलियो कहते हैं। हाथ पांव बच्चों के जिसमें नाकाम हो जाते हैं, पोलियो में बच्चे का जो है हाथ पांव नाकाम हो जाता है। रोकथाम उसकी करने को डॉक्टर दवा पिलाते हैं। जो बच्चे हैं सुई लगाते पोलियो की दवा पी जाते हैं, ऐसे बच्चे खुशहाल होते हैं, इन रोगों कीटाणु उनके शरीर से भाग जाते हैं। जो बच्चे दो बूंद पोलियो का जो ड्रॉप पीते हैं वो विकलांग नहीं हो पाते हैं, उनके शरीर से वायरस भाग जाते हैं। फिर तो अम्मा हम भी तनकर सुई अभी लगवाएंगे, फिर जाकर पोलियो की दवा पीकर आएंगे। और बच्चे को जाना चाहिए पोलियो की दवा पीने के लिए। बच्चे समझदार हो, आप दवा पिएंगे तो आप पोलियो की बीमारी से आप बचे रहेंगे और बच्चे की तरह आप खेल कूद करने में आपको बहुत आनंद आएगा, नहीं तो पैर आप हाथ गंवा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मेरा कविता को अच्छी ढंग से सुने। एक साल से छोटे थे तुम, डॉक्टर जी ने सलाह दी थी, मान सलाह डॉक्टर की, बेटा सुई तुम्हें लगवा दी थी और दवा तुम्हें पिलवा दी थी। जिन माँ बहने अपने बच्चों को समय पर पोलियो ये सब ड्रॉप और टीकाकरण कराई हैं उनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसलिए तो तुम दोनों अब इतने सेहत वाले हो, अपनी अम्मा और बापू की आँखें के दो तारे हो। इसलिए आज का कविता जो है बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें पोलियो के लिए अवश्य जानी चाहिए। पोलियो के जो भी कार्यकर्ता हैं वो आपके चारों तरफ मिल जाएंगे। पोलियो घर घर पिलाने का सरकार इंतजाम करती है और टीकाकरण भी किया जाता है। आप अपने
किसी भी हॉस्पिटल अथवा नर्सिंग होम अथवा किसी सरकारी अस्पताल में बच्चे को अवश्य भेजें और उनको सेहतमंद होने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण उनको बहुत ज़रूरी है। आज का मेरा कविता सामुदायिक स्वास्थ्य से के कोर्स से लिए गए हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य के जो विद्यार्थी हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। आज का कविता कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर मेरा चैनल और मेरा आज का कविता अच्छा लगा हो तो आप मेरे कविता पर कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही कविता देखने के लिए सुनने के लिए स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। किसी तरह के आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9801757533987573। यही व्हाट्सएप नंबर भी है। चैनल देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।